लखनऊ भू विकास प्राधिकरण को भूमाफिया चट कर रहे हैं और ऐसे दीमकों पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज की जा रही है या फिर छोटे माफिया पर कार्रवाई हो रही है, और ऐसे में बड़े माफिया पर हाथ डालने से अधिकारी भी डरते हैं। नाम लखनऊ विकास प्राधिकरण, काम लखनऊ का विकास करना, लेकिन ये काम सिर्फ कागजों तक सीमित है, क्योंकि हकीकत में विकास हो रहा है भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों का। अधिकारियों की मौजूदगी में भ्रष्टाचारी एलडीए को अड्डा बना चुके हैं और जब चाहें जैसे चाहें हेर फेर कर लेते हैं, लेकिन ये हेर फेर लाखों से करोड़ों तक की होती है। दरअसल ये है दिलीप सिंह बाफिला, जिसके कारनामों को देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने उसके नाम के आगे पूरी श्रद्धा के साथ भूमाफिया लिखा था, लेकिन एलडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्द हस्ती से भूमाफिया खुलेआम गोपनीय फाइलों में दीदे गड़ाकर झांकता है। दिलीप सिंह बाफिला घोषित है भूमाफिया। लखनऊ के अलग अलग थानों में दर्ज एफआईआर, गोमती नगर, चिन्हट और हजरतगंज में एफआईआर दर्ज, विभूति खंड, मड़ियांव और गोसाईगंज थाने में दर्ज एफआईआर। दिलीप सिंह बाफिला ने कई कारनामे करते हुए बकायदा सीतापुर हाईवे पर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग खड़ी कर ली है, तो वहीं एलडीए से लेकर ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा जमा लिया है। लेकिन दिलीप सिंह बाफिला तो एक नाम और एक चेहरा भर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की दीवारों में दरार डालने वाले ऐसे सैकड़ों नाम और चेहरे हैं जो लगातार एलडीए को कमजोर कर रहे हैं। वो बिना रोक टोक, बिना किसी रोक टोक के वो दफ्तरों में जा रहे हैं, दस्तावेजों को चेक करते हैं और मनमाफिक तरीके से दस्तावेजों की हेरा फेरी कर जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। अफसर कहते हैं कार्रवाई की जा रही है, तो राम सिंह जैसी कार्रवाइयां भी गिनाई जाती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर दिलीप सिंह बाफिला हो या ताराचंद बिष्ट या फिर दूसरे बाफिया, इनके चुंगल से लखनऊ विकास प्राधिकरण की कीमती जमीनें कब छूटेंगी और आखिर इनका गठजोड़ अफसर क्यों नहीं तोड़ पा रहे। एलडीए की जमीन पर 119 भूमाफियाओं का कब्जा। डॉन बबलू श्रीवास्तव ने एलडीए की जमीन पर कर रखा है कब्जा। ताराचंद बिष्ट, राम सिंह, बनवारी यादव भी भूमाफिया, अजय यादव, सलीम और सौराब भी है भूमाफिया। दरअसल इन भूमाफियाओं की इतनी हिम्मत नहीं होती अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़े पद पर बैठे बड़े साहिब लोग कार्रवाई करते, लेकिन महीने की पहली तारीख को झप से गिरती है पगार तो फिर किस बात की दिक्कत। और वहीं ये भूमाफिया अपनी दबंगई के दम पर एलडीए की जमीन पर गुंडई की खेती करते रहे और जब भी साहब लोगों से पूछिए तो कार्रवाई का राग अलाप दिया जाता है। इसके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है और इसी के लिए अलग से जो भूमाफियाओं की जो सूची है इसका चिन्हांकन करते हुए इनके खिलाफ प्रशासन और एलडीए के द्वारा संयुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। साहब लोग कार्रवाई का राग तो अलापते हैं, लेकिन इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है। सिर्फ 36 भूमाफियाओं के पास 550 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली, वही कुल मिलाकर 119 भूमाफिया है, तो सोचिए हालात क्या हो और आंकड़े क्या हो। अब भूमाफिया के सफेद पोश दोस्तों की कारिस्तानी ही है कि एलडीए से अब तक 23,000 फाइल गायब है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत बोल रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं, आपको भी पता है इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है और जो विधिक तरीका है, जो लीगल तरीका है, इसके अनुरूप ही इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। थैंक यू। फिलहाल लगातार एलडीए को डुबाने के लिए गुंडे माफियाओं की सेना तैयार है और एलडीए में काम करने वाले सरकारी पगार पर पल रहे सरकारी लाल भी आराम फरोश हो गए, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद लगता है जैसे एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण ना हो, लखनऊ डुबाऊ अथॉरिटी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर शहीद कुलदीप शर्मा की अस्थि लेकर तिरंगा यात्रा गांव पहुंची। सैन्य सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा ऊंचा गांव पहुंची। इस यात्रा के दौरान शहीद कुलदीप के सम्मान में देशभक्ति के नारे गूंजे। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में।